हेलो एवरीवन, पिछले बार मैथ वीडियो और इस बार वीडियो जो हम बना रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पे बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एचटेट अभी आ रहा है, सीजीएल अभी आ रहा है और आप में से कुछ बच्चे एचएसएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। इन सब वीडियो सर आप एडवांस में थोड़ा सा वीडियोज़ बनाए अभी कॉन्स्टेबल में भी। तो आइए आज आप पढ़े। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना हूँ पूरा कवर करा पाऊंगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात की ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। अगर आप इस वर्ड को ब्रेक कर दो तो आपको मतलब कौन। तो बेसिकली जब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम ट्रायंगल के बारे में ज़्यादातर ट्रायंगल के बेस पे ही पूरा टॉपिक चलता है। और कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप समझ जाओ कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप समझ पाओगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्राई प्लस एंगल प्लस मीटर, मतलब तीन कोणों के मेजरमेंट एक तरह से, और राइट एंगल को दूसरा आपने पढ़ना है। बट पहला सवाल ये आता है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है, मतलब आप बेसिकली इसमें सबसे छोटी चीज़ क्या है। जैसे ये आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे छोटी चीज़ क्या है। इंग्लिश और हिंदी सीखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट सीखने वर्ड बनाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री को समझना है इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, तो आपने नॉर्मली सुना होगा थीटा। थीटा या तो एंगल। सबसे पहली बात ये बोला गया है, आप में से जो भी बच्चा तैयारी 11th 12th में करता है उसके लिए तो ये बड़ी एक वेल फेमिलियर चीज़ होती है, बड़ा जानता है वो चीज़ के बारे में। बट जो नॉन मैथ बैकग्राउंड का है उनके लिए थोड़ी सी चीज़ समझने में टिपिकल होती है। आइए पहले थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में, जैसे कि ये थीटा क्या है। अगर मैं कोई दो लाइन ड्रॉ करता हूँ जिनका वर्टेक्स पॉइंट कॉमन पॉइंट जो है सेम है इस तरीके से, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इंक्लाइन है। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊँ कि इंक्लाइन, इस इंक्लिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। पर दूसरे सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? क्या आप किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर सीधे जा सकते हैं? और ऐसा भी हो सकता है किसी पॉइंट से किस पॉइंट पर ऐसे आप कर्व से इतने जा। तो जब आप कर्वी नेचर में मूव करते हैं तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसको मेजर करने के लिए थीटा लेते हैं। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, पहले आप ये समझ लें कि कोई भी एंगल जो है एक सर्कल का पार्ट होता है। इस तरीके से कोई भी एंगल जो है वो एक सर्कल का पार्ट होता है। तो जब जब आप कोई एंगल लेते हैं इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उस पूरे सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर रहे हो। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी चीज़ें आती है कि जब हम छोटी क्लासेज में थे, सिक्स सेवन एट नाइन्थ में थे, तो हमें कहा जाता था कि एंगल यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। और बच्चा इसको मान भी लेता था कि अगर आप कहीं भी इंक्लिनेशन दिखाओगे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। आइए थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये सेम क्यों रहती है। इतना तो हमें पता है कि अगर मैं इसको थीटा को एक रेडियस बना लेता, इस तरीके से एक सर्कल पूरा कर लेता हूँ, तो इसमें ये वाली जो लाइन है ये आपकी रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहते हैं। और ये इसका हिस्सा है तो उसको हम कहते हैं एल। एल का मतलब होता है आर्क, आर्क का मतलब चाप। तो आपने पढ़ा होगा कि थीटा बराबर होता है एल बाय आर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई जगह आपको काम आएगा, जिसमें थीटा यानी कोण यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एल आपका ये हिस्सा है और आर आपका रेडियस। अब मान लीजिए ये दो पॉइंट आपने यहाँ की जगह यहाँ कंसिडर किया, यहाँ कंसिडर करते ही अब आपका एक इमेजिनरी सर्कल क्रिएट होगा कुछ इस तरीके। और जैसे ही आप इसको क्रिएट करोगे ये आपका और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। अगेन अब आपका थीटा क्या बनेगा? थीटा बनेगा आपका एल डैश ओवर बाय एल डैश आर डैश। अब इसमें क्या होता है कि ये एल डैश और आर डैश की जो रेशो होती है वो एल बाय आर के बराबर होती है। कहीं भी अगर आप वर्टेक्स कॉमन रखने के बाद एक सर्कल क्रिएट करोगे तो जितना आप आर बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा। तो उसी की वजह से एल बाय आर की रेशियो बराबर होती है
एल डैस बाई आर डैस, और आप इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ड्रॉ करो, कहीं भी दिखाओगे, तो हर एक के बीच में क्या रहता है, कोण सेम रहता है। ये छोटी सी चीज़ है जो हमें बचपन में पढ़ाई जाती थी, जिसका लॉजिक हमें नहीं बता रहता था कि ट्रायंगल यहाँ, एंगल यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, या इन लाइन्स को कितना भी आगे बढ़ा दो आप और यहाँ ड्रॉ करो, तो एंगल क्या रहेगा, एंगल ही रहेगा थीटा की वैल्यू थीटा। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कोण बनता है किसी के भी बीच में वो एल और आर पर डिपेंड करता है, जिसमें एल होता है चाप और आर होती है आपकी स्ट्रेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बेसिक में ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो कोण थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसको आप मेजर करते हो, मेजर करने की दो यूनिट होती है, एक होती है रेडियन और एक होती है डिग्री। इनको हम सारे विस्तार बाद में चर्चा करेंगे, अभी एक छोटी सी चीज़ जान लो कि 180 डिग्री जो होते हैं वो रेडियन में पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 180। तो अगर किसी ने कहा कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो 30 डिग्री आपका हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 30, कैंसिल करके कितना आएगा, पाई बाय 6। किसी ने कहा 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो पाई बाय 180 इंटू 90, चेंज करके कितना आएगा, पाई बाय 2। तो इस तरीके से किसी भी डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कहा जाता है कि आपको पाई रेडियन अगर हम इस तरीके से लिखें इक्वल होता है 180 डिग्री, तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री बटे पाई। तो यहाँ से अगर किसी ने कहा कि कितनी भी रेडियन की वैल्यू आपने निकालनी है, लाइक 40 रेडियन की वैल्यू निकालनी है या फिर पाई बाई 6 रेडियन की निकालनी है, ऐसे कह दे कि पाई बाय 6 रेडियन की वैल्यू निकालो, तो पाई रेडियन 180 था, तो पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 180 बाय 6, कैंसिल करके कितना हो जाएगा, 30। कोई आपको कहीं कि एक रेडियन या पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो पाई बाय 2 रेडियन कितना होगा, तो दोनों का 180 बाय 2 आंसर कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में सकते हैं। अब ज़्यादा इस पर टाइम हमें नहीं लगाना है, मेन पॉइंट है। तो हमने थोड़ा सा ये जान लिया बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़नी है तो उसकी बेसिक यूनिट किसको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल को कह सकते हैं। तो आपने एंगल को जान लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही सारे फसाद की जड़ है। अगर आपने इसको समझ लिया तो बस काम हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है, सबको पता है। एक ये एंगल आपने लेना है, इसमें आपने ये जिसके साथ 90 डिग्री और ये एंगल बनता है उसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, और जिसमें ये वाली लाइन होती है इसको हम परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं, और सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कहते हैं। और आपने पाइथागोरस से पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये कॉमन सी चीज़ है। अब इसके अंदर पहली जो रोल पिक्चर में आता है बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को ढंग से स्टडी कर लें तो समझ जाओ हमारे ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या करना होता है इसके अंदर कि हमें कुछ रेशोज लेनी होती है, हमें रेशो लेनी होती है बेस से कर्ण की, हमें रेशो लेनी होती है लंब से कर्ण की, और हमें रेशो लेनी होती है लंब से आधार की। तो इन सभी रेशो को कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं रेशो ले लेता हूँ लंब बटे कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर को पी, तो एक रेशो भी। अब इस रेशो का किसी ने नाम दे दिया और वो नाम क्या है, साइन थीटा। जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पहचान के लिए कोई ना कोई नाम ज़रूर दिया जाता है, तो उसी तरीके से हमारे पास एक रेशो बनती है लंब की और कर्ण की, तो उसको पहचान के लिए कुछ नाम दिया गया है और वो नाम क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। ऐसे ही कोई ये भी तो हो सकता है कि कोई रेशो चेक कर रहा हो आधार से कर्ण की, आधार से कर्ण की, तो अब हम इसको कह रहे हैं बेस और इसको कह रहे हैं हाइपोटेन्यूस। इस केस में जो आपको रेशो को नाम दिया गया है वो दिया गया है कोस थीटा। थर्ड आपकी रेशो हो सकती है जिनको मैं प्राइमरी रेशो कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। तीसरी हो सकती है कि आप लंब से और आधार से भी तो चेक कर सकते हैं, लंब और आधार से भी तो चेक कर सकते हैं रेशो। तो इस केस में आपकी रेशो बनेगी टेंजेंट थीटा। तो बेसिकली मैंने तीन रेशो मेंशन की है,
पहली है कि अगर आप इससे इसकी रेशो लेते हैं लंब से कर्ण की तो साइन थीटा, दूसरी है कि आप आधार से कर्ण की लेते हैं तो कोस थीटा, और तीसरी आपकी है अगर आप लंब से आधार की लेते हो तो टेन थीटा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनको जैसे लिख रहा हूँ इनका अपोजिट लिखना शुरू कर दूँ, जैसे फोर्थ में मैं कहूँ कि मैं लंब बटे कर्ण की बजाय मैं कर्ण बटे लंब लेता हूँ, तो कर्ण बटे लंब लूंगा तो ये बन जाएगा वन बाय साइन थीटा। बट इसको वन बाय साइन थीटा कहने की बजाय थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, इसको किसी ने कह दिया कोसेकन थीटा। तो जब अगर मैं लंब बटे कर्ण लेता हूं तो उसको नाम दिया गया साइन थीटा, और जब कर्ण बटे लंब लेता हूं तो उसको नाम दिया गया कोसेकन थीटा। फिफ्थ अगर मैं बात करूं फिफ्थ, तो इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार है तो को वन बाय कोस थीटा, और कोस थीटा को मैं कह पाऊंगा सेकन थीटा। सिक्स अगर आपको मैं कहूँ कि मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो आधार बटे लम, और इसको मैं कहूँगा वन बाय टेन थीटा, जिसका रिजल्ट आएगा कोस थीटा। तो ये सिक्स प्राइमरी रेशोज हैं आपको, जो सबसे पहले आपको याद रखनी है कि इसकी 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 क्या क्या रेशो ली जा सकती है और क्या क्या नाम है। छोटी क्लासेज में काम और किया करते थे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरह कुछ किया करता है। पी का मतलब है परपेंडिकुलर यानी लंब, बटे में हाइपोटेनस, तो इसको नाम दिया गया है साइन थीटा। आधार बटे में कर्ण यानी बेस बटे में कर्ण, इसको नाम दिया है कोस थीटा, और लंब बटे में आधार, इसको नाम दिया गया है टेन थीटा। अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो इसको नाम दिया गया कोस थीटा, इसको उल्टा करता हूँ तो इसको नाम दिया गया है सेकेंड थीटा, और अगर इसको उल्टा करता हूं तो इसका नाम दिया गया है कोसेकन थीटा। ठीक, तो सबसे पहले आपने प्राइमरी ये याद रखनी है। आइए अब इनका यूज करते हैं और समझते हैं कि ये बेसिक चीजें कैसे हमारे क्वेश्चन को आसान कर सकती हैं बिना कोई ज्यादा एफर्ट के। अब ज्यादातर वो जो क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ वो एक दो छोटे छोटे बेसिक एग्जाम में आए हुए हैं, और उनको ज़्यादातर बच्चे आइडेंटिटी से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिटी से आपने पूरा नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर वन, मान लीजिए मैंने इस तरह से लिख दिया कहीं साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर सेवन बाय फाइव, और मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। अब इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे बनते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, बच्चा जैसे इसको देखता है साइन स्क्वायर थीटा इसका और इसका होल स्क्वायर कर देता है दोनों तरफ। आपने कुछ नहीं करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ट्रिपलेट्स बनते हैं, वो ट्रिपलेट्स मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आपको काम आए। पहला ट्रिपलेट जो आपका बनता है वो बनता है कर्ण पाँच, इसकी वैल्यू चार और इसकी वैल्यू तीन, तो चार तीन पाँच का एक ट्रिपलेट बनता है। दूसरा एक ट्रिपलेट हो सकता है आपका तेरह बारह पाँच, तीसरा ट्रिपलेट हो सकता है आपका, अगले लेक्चर में मैं आपको इन ट्रिपलेट्स को बनाना भी सिखाऊंगा, तब तक आप इनको अभी दिमाग में रखना। तीसरा हो सकता है आठ छः दस, और जो क्वेश्चन बने हैं वो इन ट्रिपलेट्स पे ही बने हैं, तो बेटर है कि अगर आपको कहीं पाँच दिखता है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि फोर और थ्री आपके बेस और परपेंडिकुलर होंगे, अगर कहीं थर्टीन दिखता है तो बेस और परपेंडिकुलर आपके ट्वेल्व और फाइव होंगे, कहीं टेन दिखता है तो आपका बेस और परपेंडिकुलर सिक्स और एट होंगे। अब इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बजाय आप इसमें कि कोई स्क्वायर लगाओ, रेशो लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ, कुछ भी लगाओ, बेटर है कि आप क्या करें, आप इस चीज को ध्यान में रखें। अब देखो यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है फाइव, और ऊपर क्या दिया हुआ है सेवन, तो अगर आपने इस चीज को समझा है तो आप डायरेक्टली समझ पाएंगे कि फाइव अगर दिया है तो आपका कर्ण कितना दिया है पांच। मैं कर्ण क्यों कह रहा हूं इसको पांच वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन यानी साइन की जो रेशो होती है वो होती है परपेंडिकुलर और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो आप इसको लिखोगे पी बाय एच। कोस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण बी बाय एच, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो नीचे एच आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा पी प्लस पी। तो यहां से एक बात पता लग रही है कि नीचे जो होगा वो हाइपोटेनस होगा और ऊपर जो होगा वो बेस का और परपेंडिकुलर का सम होगा। तो जब हमें यहां दिखाई दे रहा है कि पांच है तो पांच का रेलिवेंट ट्रिपलेट क्या बनता है
ट्रिपलेट बनता है चार और तीन, इसका मतलब ऊपर जो होगा वो चार और तीन का सम है, और जो दे रखा है ऊपर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये सात है, और सात किसका जोड़ है, तीन का और चार का। तो अगर मुझे ये पूछा गया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो स्ट्रेट अवे मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर वैल्यू रख दूंगा ये वाली पी और बी की। अब पी कितना हो गया अपना चार, तो आप कहोगे चार बटा पाँच। कोस थीटा कितना हो गया थ्री बाय फाइव, और रिजल्ट कितना आ जाएगा वन बाय फाइव। आपका विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। तो पहला ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर पूछा था तो आप इस तरीके से फोर बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव करके आंसर कितना लेके आ सकते हैं वन बाय फाइव। जस्ट इनको आप ध्यान में रख। इसी क्वेश्चन में अगर यूं दे दिया जाए, आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि दिया क्या है। मान लीजिए आपको सेकंड क्वेश्चन दे दिया जाए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको दिया गया है। अब देखो यार, मैंने क्या कहा था, ये नीचे हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज 13। ऊपर जो है साइन और कोस को सम किया गया है, तो मैं समझ गया कि परपेंडिकुलर और बेस को सम किया गया है ऊपर। तो जब 13 है नीचे, तो परपेंडिकुलर और बेस कितना है 12 और 5। तो आप इसको लिखोगे, ये हमें समझ में आ गया कि साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 और कोस थीटा की वैल्यू है 5/13। हमें इनको क्या करना है, क्वेश्चन में है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना होगा, तो आप इसको लिखोगे 12/13 माइनस 5/13, आंसर कितना आ जाएगा 7/13 स्ट्रेट अवे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप विदाउट एफर्ट सीधा आप इनको कर सकते हो। अब ये मैंने आपको रेशो पे समझाया है कि रेशो पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ और मेंशन कर रहा हूं, वो और देख लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा टेबल क्रिएट करना सिखा रहा हूं। आप 0, 30, 45, 60 और 90, मैं टेबल थोड़ा फास्टली क्रिएट कर रहा हूं, आप वीडियो देख के रोक सकते हैं। सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लें, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दें और फिर सभी पे अंडर रूट डाल दें। मैं थोड़ा फास्टली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ समझने का नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी करना है। तो सबसे पहले आप साइन थीटा बनाओगे तो 0/4 0 हो जाएगा, इसका वर्गमूल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 होगा, ये अंडर रूट 3/2 होगा और ये 1 आ जाएगा। कोस के लिए आपने क्या करना है, उधर से लिखना शुरू कर देना है 1√3/2, इधर से यूं ले जाके लिखना शुरू कर देंगे 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। टेन थीटा के लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। बाद में प्रूव करूंगा इसको ये कैसे होता है, पर होता है अभी। तो 0/1 0, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1/√3, इसको करोगे तो 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका √3 और ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। इसके बाद अगर आपने कोई वैल्यू लिखनी है, जैसे कि सीकेंट थीटा लिखना है, तो हमें पता है ये कोस का उल्टा होता है, उल्टा होता है तो आप इसको उल्टा कर दो 1/√3 √2 2 और 1/0 अगेन क्या देगा इन्फिनिटी। और इसी सेंस में आप साइन का उल्टा कर लेना कोसेकेंट थीटा और आपकी टेबल क्रिएट हो जाए। ठीक, अब मेन चीज ये है कि बच्चा इसको रट लेता है, कि वो ये याद रखता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 1 होता है, कहीं इनकी वैल्यू सेम होती है, बहुत कुछ होता है। टेबल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताकर जाना चाहता हूं कि आपने इन चीजों को प्रैक्टिकली समझना है। जब हम प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं तो ही ये पार्ट हमें तंग करता है कि आपने याद कर लिया साइन 91 होता है, कोस 0 आपका 1 होता है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, बता देता हूं कि साइन 90 की वैल्यू हम 1 क्यों लेते हैं, कोस 0 की वैल्यू हम 1 क्यों लेते हैं, कोस 90 पे हम 0 क्यों कर देते हैं, जबकि साइन 90 पे 1 होता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है वो समझना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिया गया, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री। हम इसको यूं मान लेते हैं कि जैसे कोई सीढ़ी है मेरे पास,
जो मैंने दीवार के साथ सजाई है। अब थीटा का तो मतलब ये वाला कोण है ना, कि कोई चीज रखी गई है किसी लंब के साथ तो वो आधार के साथ कितना कोण बनाई है वही थीटा है। अब किसी ने कहा कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, थीटा 0 कब हो सकता है? थीटा 0 तब हो सकता है जब इस सीढ़ी को बनाकर मुझे डील कर दे, अदरवाइज तो हो नहीं सकता है। तो प्रैक्टिकली हमें सोचना है, तो प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूं कि थीटा की वैल्यू 0 तब हो सकती है जब इसको उठाकर मैं आधार पर रख दूं, बेस पर रख दूं। अब समझते हैं, अगर मैं इसको आधार पर रखूंगा यहां तो डायरेक्टली इस पी का कोई महत्व नहीं रहेगा, पी कितना हो जाएगा 0। और जो ये हाइपोटेन्यूज था अपना, ये किसके बराबर आ जाएगा? बी के। अब याद करो कोस थीटा क्या होता था, कोस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये तो दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो कट के वैल्यू कितनी आ गई 1। जबकि साइन क्या होता था, साइन 0 नॉर्मली कहा जाता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है वो देखो, कि साइन जो होता है वो होता है पी बाय एच। तो जब आपने इसको 0 डिग्री किया है तो ये जो है पी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0/h, और आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये वो कारण है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू होती है 1, यानी मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम का क्या सीन है मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। क्यों 0 होती है, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री का मतलब होता है सीढ़ी को उठाकर नीचे रख दिया है, उससे पी का कोई महत्व नहीं रह गया, पी 0 हो गया और बी बराबर एच आ गया। अब देते हैं थीटा इक्वल टू 90 पे क्या होता है। थीटा इक्वल टू 90 पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90, अगेन प्रैक्टिकली सोचो कि ये कोण 90 डिग्री कब हो सकता है, जब इस सीडी को मैं कुछ इस तरीके से रखता हूं, बट रखना कहां है, परपेंडिकुलर के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहां रख दी मैंने सीडी, जब मैंने सीडी यहां रख दी तो पी की वैल्यू किसके बराबर बढ़ जाएगी, एच के। जो ये सीडी है वो सीडी की लंबाई होगी वही पी की लंबाई होगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इस आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब साइन क्या होता है 90 पे, साइन होता है लंब बटे कर्ण। जब मैंने थीटा 90 डिग्री रखा है तो मेरा सीडी यहां रखी गई है, और पी और एच की वैल्यू आपस में क्या आई है, बराबर आई है, तो ये कैंसिल हो गया है और आंसर कितना आ गया 1। यही चीज अगर कोस 90 में रखते हैं तो कोस 90 होता है बी बाई एच, और बी की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, 0 हो चुकी है, तो 0 अपॉन एनीथिंग किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो बेसिकली आज हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जाना है, अभी भी बेसिक में बहुत है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीधा क्वेश्चन कराना शुरू कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल जाए कि आप कुछ क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो, बट जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक आपको टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आपको पहले प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझना है कि थीटा 0 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना होता है, रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। तो हमने समझा कि थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या मायने हैं। वहां से हमने ये बात जानी कि साइन जो है 90 डिग्री पे 1 होता है और कोस जो है 90 डिग्री पे 0 होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बताया है। आज तक आपने सिर्फ रट्टा मारा होगा इस चीज का, तो मैंने आपको बता दिया है कि साइन 90 पे 1 क्यों होता है, कोस 90 पे 0 क्यों होता है, कोस 0 पे मैक्सिमम हो जाता है और साइन 0 पे मिनिमम हो जाता है। अगले लेक्चर में हम ये भी चर्चा करेंगे कि जैसे जैसे कोण बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, तो साइन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है जबकि कोस की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो आपने क्या करना है। चलिए आज के लिए पार्ट 1 में मेरी तरफ से इतना ही। देखते रहिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बेसिक्स भी आपके क्लियर करूंगा, और जब बेसिक क्लियर होते हैं तब पढ़ने में मजा ही आने लगता है। चलिए फॉर द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।